हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन नॉर्मली होते क्या है, दिस इज ऑफ थ्री टाइप। टू रेफरेंस द मेमोरी, दैट इज मेमोरी रेफरेंस। नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर द रजिस्टर रेफरेंस एंड नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर द आईओ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये तीनों के लिए थ्री डिफरेंट फॉर्मेट हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपकोड रहता है, सेकंड पार्ट में एड्रेस रहता है, कभी कभी अपरेंड भी रहता है। तो एड्रेस से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग को अपरेंड में ही जाना होता है टू परफॉर्म द ऑपरेशन विच इज रेफर्ड बाय द अपकोड। तो उसी सेम चीज को हम लोग को, उसी सेम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम लोग को फॉलो करना है फॉर द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एंड दिस इज यूज फॉर थ्री थिंग्स, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड आईओ इंस्ट्रक्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे मेमोरी, दिस ऑल थ्री आर ऑफ 16 बिट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी रेफरेंस, तो मेमोरी रेफरेंस में क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज ऑफ टू टाइप। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, उसी सेम चीज को यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगी। तो नॉर्मली वो तीन टाइप के ही होते हैं, फर्स्ट लास्ट पार्ट तो एड्रेस के लिए होते ही है, दैट इज फॉर 0 to 12 bit के लिए। उसके बाद जो है 4 bit के लिए मैंने बताया था अपकोड, अपकोड एक्चुअली इज फॉर 3 bit, दैट इज 12 to 14। ठीक है, और उसके बाद जो 14 to 15 1 bit रह जाता है, दैट 1 bit इज फॉर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होता है आपका एड्रेसिंग मोड। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एड्रेसिंग मोड है, दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप, वन इज फॉर 0, 1 इज 1। तो एड्रेसिंग मोड के पास, अगर एड्रेसिंग मोड की जगह पे अगर आपका जीरो वैल्यू प्रेजेंट है, जीरो है, तो दैट इज फॉर डायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, और अगर आप एड्रेसिंग मोड पे 1 प्रेजेंट है, दैट इज फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो इसी तरह मेमोरी रेफरेंस यूज होता है, अपकोड एंड एड्रेस अपनी जगह पे ही रहता है, बस फर्स्ट बिट में हम लोग को एड्रेस मोड पता करने के लिए 0 और 1 का यूज करना है टू शो द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ये हो गया आपका मेमोरी रेफरेंस। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर रेफरेंस। तो रजिस्टर रेफरेंस में क्या होता है, सेम हमारा फॉर्मेट है, लास्ट इज फॉर, ओके लेट्स सी कैसे होगा। तो हमारा जो लास्ट बिट है, दैट इज ऑब्वियसली फॉर लाइक 12 bit। तो यहाँ पे लास्ट बिट में एड्रेस के जगह पे स्टोर होता है रजिस्टर ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन आपका, द ऑपरेशन विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन रजिस्टर। ठीक है, वही रजिस्टर ऑपरेशन यहाँ पे स्टोर रहता है फॉर द 12 bit। उसके बाद आपका जो 4 bit रह गया फ्रॉम 12 to 15, ये जो फर्स्ट मतलब पार्ट है, इसको आगे अभी हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। रजिस्टर रेफरेंस में हम लोग क्या शो करते हैं कि लास्ट का 12 bit में तो रजिस्टर में कौन सा ऑपरेशन होने वाला है वो दिखाएंगे, और लास्ट का जो 4 bit रह गया, सॉरी फर्स्ट का जो 4 bit रह गया, उसमें क्या होता है, पहले 3 1 स्टोर होता है एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 0 स्टोर होता है। तो दिस इज ऑब्वियसली द ऑपकोड पार्ट एंड दिस 0 शोज द रजिस्टर रेफरेंस। ओके, सो व्हेन द मिडिल और अपकोड पार्ट इज 111, वी शुड सी द एड्रेस मोड 0, देन दिस इज द रजिस्टर रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके अपकोड पार्ट में 111 प्रेजेंट है एंड एड्रेसिंग मोड के पार्ट में 0 है, सो यू हैव टू कंफर्म दैट दिस इज द रजिस्टर रेफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आईओ इंस्ट्रक्शन, एंड दिस आर द ओनली फॉर्मेट। ठीक है, इसमें उतना कुछ जानना नहीं है, दिस आर द फॉर्मेट्स ओनली। तो यहाँ पे सेम चीज है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम एज द रजिस्टर रेफरेंस, तीन पार्ट है, ये तो आपका 11 to 0 है, यहाँ पे रजिस्टर ऑपरेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर ऑपरेशन आपका प्रेजेंट था, वन सेकेंड, ये आईओ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका सेम है, 0 to 11
एंड दिस इज 12 to 15। तो इसी पार्ट में, एड्रेस के पार्ट में आपका स्टोर होता है आईओ इंस्ट्रक्शन, आईओ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड बाकी के चार पार्ट में, फर्स्ट थ्री बिट में वन स्टोर रहता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में भी वन स्टोर रहता है। तो आपका, मैंने क्यों बोला ये रजिस्टर रेफरेंस के साथ सेम है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर ऑपरेशन, यहाँ पे आईओ इंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द हेडिंग्स, और बीच अपकोड के पार्ट में आपका 111 दोनों में है। लेकिन अगर आपका एड्रेसिंग मोड में जीरो है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज रजिस्टर रेफरेंस। अगर आपका एड्रेसिंग मोड पे वन है विथ अपकोड वैल्यू 111, देन दैट इज आईओ इंस्ट्रक्शन। बस इतना ही।